नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हों। आज हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं और मम्मी। शिल्पी भी आई थी, वो चली गई सुबह सुबह क्योंकि शैबी को ना फीवर आ रहा था 2-3 दिन से बार बार, तो वो तो चली गई ससुराल क्योंकि शैबी का चेकअप करवाना था डॉक्टर से। तो हम भी चलते हैं क्योंकि घर से बहुत दूर है हॉस्पिटल, और ना फिर मम्मी का प्लास्टर भी खुलना है, तो हम इसलिए आज हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं मम्मी बैठ गए गाड़ी में और हम चल दिए हॉस्पिटल की ओर। तो ये देखिए हमारे हिमाचल के रोड, हमारे कांगड़ा के रोड, ये जहाँ शोर शराबा नहीं है, ट्री ट्री हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही है, आपको सुनाई तो दे रहा होगा, एकदम शांत, और हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला। वैसे भी ट्रैफिक का हमारी साइड बहुत कम होता है, अगर मिले भी तो पालमपुर और हरद्वारा से आगे ही मिलेगा क्योंकि वो थोड़ा शहरी पड़ जाता है और हमारे है गांव। और ये हमारे टेढ़े मेढ़े रोड, इसमें ना कभी कभी ना तबीयत खराब होने लग पड़ती है और मेरी तबीयत भी खराब होने लग पड़ी। और यहाँ पर मम्मी देखो बैठे आराम से अपना पैर ऊपर करके, क्योंकि ये नीचे लटका के रखते हैं तो फिर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। मम्मी का ना ये प्लास्टर पूरा 1 महीने के बाद खुलेगा आज। तो हम पहुंच गए पंचशील हॉस्पिटल में, स्किन एंड ऑर्थोपेडिक सेंटर में। हम पहुंच गए हैं नगरोटा हॉस्पिटल और अभी वेट कर रहे हैं, पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो मैं मम्मी यहाँ पर बैठे और रिसेप्शन पे दे दिया है नाम, उन्होंने बोला कि आवाज़ दे देंगे, लेकिन अभी आगे हमारे आगे इतने सारे बैठे हैं। फिर हमारा नंबर आया। 1000 years later। सो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल से हम आ गए हैं, 2:15 बजे पहुँचे, और ना मेरी आते आते ना तबीयत खराब हो गई थी, मन ही खराब हो गया था, तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और अब घर पहुंच गए तो कुछ खा पी लेते हैं। रास्ते में मम्मी ने बोला कि कुछ खा लेंगे, मैंने कुछ नहीं खाया भैया, आते आते ना ब्रेड लाए हैं मम्मी, तो ब्रेड तो चाय के साथ खाएंगे। मैंने इमली भिगो के गई थी तो मैंने यहाँ पर ना इमली की चटनी बना दी है देखो। और अब मैं सोच रही हूँ कि 2-4 फ्रूट पड़े हैं तो मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ। वैसे तो सब्जी पड़ी है, चावल उबालने को बाकी थे, लेकिन मम्मी मना कर रहे हैं और मेरा मन नहीं है खाना खाने का, तो मैं सोच रही हूँ यही हल्का फुल्का खा लेते हैं, तो फ्रूट चाट बनाती हूँ। मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ, जब हम शिमला गए थे ना घूमने, तो शिमला से जब हम दिल्ली जा रहे थे ना, तो रास्ते में 16 जगह में बस रुकी थी एक जगह पे, पता नहीं कौन सी जगह थी, तो वहाँ पर ना हमने फ्रूट चाट ली थी, तो फ्रूट चाट वो बहुत ही टेस्टी थी, मम्मी को भी बहुत पसंद आई और मुझे बहुत पसंद आई, खट्टी मीठी चाट थी। तो आज मैं भी सोच रही हूँ कि वैसी चाट मैं आज घर पे बनाऊँ। तो फ्रूट मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पर, तो चलो मैं ट्राई करती हूँ। चाट रेडी है ये देखिए। तो अब मैं चलती हूँ बाहर और मम्मी को भी ले चलती हूँ और खिलाते हैं। मम्मी से पूछते हैं कि कैसी बनी है, मम्मी बताओ कैसी लगी, टेस्ट कैसा लगा? अच्छी बनी है, बहुत अच्छी। वाओ, सही बनी है। हाँ सही है। टेस्टी बनी है। अभी हमारे पास नींबू नहीं था, आधा नींबू था वो मैंने निचोड़ दिया। नहीं था नींबू, पता नहीं, मेरे को आधा नींबू दिखा और मैंने डाल दिया। मम्मी का प्लास्टर खुल गया तो मम्मी ने ना वो देखो सॉक्स पहन रखी है उस वाले पैर में। अभी थोड़ी थोड़ी चढ़ने में दर्द है, अब गर्म पानी की सफाई से ठीक हो जाएगा ये धीरे धीरे। हाँ, डॉक्टर ने ना गर्म पानी की स्काई करने के लिए बोला है, तो सुबह शाम स्काई करेंगे अब थोड़े दिन। और अब मम्मी ना ये अपना ब्लॉग देखते रहते हैं। चाट हमने खा ली और अब मम्मी बोल रहे हैं 4 बजे के बाद चाय सेकना, तो टेस्टी लगी मम्मी को भी। मम्मी को ना अब डॉक्टर ने स्काई करने के लिए बोला है, पता नहीं कितने दिन स्काई करेंगे, 10-15 दिन तो स्काई करेंगे। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ
और ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। ये था एक छोटा सा ब्लॉग, मैंने आपके साथ छोटा सा ब्लॉग शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को ढेर सारा प्यार दे, बिना फॉरवर्ड किए हुए वीडियो को ज़रूर देखा करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।